हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ JNU कैंपस में और वहाँ के गेस्ट हाउस में हमारी बुकिंग थी, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ कैसा है ये और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ये गेस्ट हाउस में जैसे ही हम चेक इन करके अंदर आते हैं ना, वहाँ का एरिया है, मतलब रूम और रिसेप्शन के बीच का एरिया। ये ऊपर जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये बेस्ट चीज़ थी यहाँ की, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये है हमारा कमरा, ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, प्लस यहाँ एक कवर्ड है, काफ़ी बड़े साइज़ में है, अच्छा सा। और सामने ही वॉशरूम है। ये टैब का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा हमें, तो इसलिए बुलाने गए हैं, बुला करके फिर हमें उनको कहना है कि भाई बंद कर दो। और ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, यहाँ एक ट्रे है, मग्गा है, बोतल तो हमारी है। तो अब यहाँ पे ये पुराना बना हुआ है तो काफ़ी वायर्स वगैरह निकली हुई हैं, तो इस वजह से हमें ना थोड़ा मतलब लग रहा है कि ये ना छूते, तो काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है आशी को। और यहाँ ये AC जो कि अभी काम नहीं कर रहा, सर्विसिंग नहीं भी शायद इसलिए। और ये बेड काफ़ी ठीक था, अच्छा था, और ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, कर्टन्स वगैरह तो पुराना बना हुआ है, काफ़ी पुराने टाइम का है, तो इस हिसाब से तो काफ़ी सही है। और पीछे बैकग्राउंड में ये जंगल, मतलब अगर किसी को इस तरह का पसंद है ना, जंगल में के बीच में रहना शांति से इस तरह से, तो ये मतलब अच्छा लगेगा उनको यहाँ पे। और यहाँ पे ना मोर वगैरह भी दिखते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। नील गाय तो हमने रात में ही देखी थी, 3-4 थे, और मतलब कहते हैं इतना डरपोक वो जानवर होता है ना कि तुरंत भाग जाता है। वो तो आशी से भी भाग गया है ना बेटू, आशी से भी भाग गया, आशी को देख करके भी नील गाय भाग गई। ओहो, इसकी क्लिप जो मैंने खरीदी थी उसके साथ ये खेल रही है। सारे फ्रूट्स वाले मैंने खरीदे थे इसीलिए, क्योंकि इसे बहुत पसंद आते हैं ना इस तरह के। तो अब हमारा हो गया कि पैकिंग वैकिंग हमने कर ली है, निकल जाना है हमने। और हाँ, ये एक घड़ी भी है कवर्ड के साइड में लगी हुई, और ये पुराने ज़माने का TV। एक्चुअली में ये मतलब बहुत पुराना है रूम, तो ऑब्वियसली चीज़ें भी बहुत पुरानी ही होंगी। तो ये वाली TV है जो कि काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है, और ये सोप वोप तो हमने ला करके रखा था कि हमें यूज़ आए, तो इसलिए ये रहा रिमोट। हाँ, पहले भी तो रिमोट वाली टीवियाँ थी, तो वॉल व्यू ये है पूरा कमरे का। और सेंटर में बेड। कोविड के बाद ना काफ़ी चीज़ों पे बहुत असर पड़ा है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। मतलब कोविड के पहले यहाँ तक आने के लिए ऑटो वाले कितना लेते थे, 25 रुपीज़ लेते थे, जबकि अब जो है 40 रुपीज़ से कम चार्ज में नहीं मानते। तो एक तो महंगाई तो खैर बढ़ रही है इस टाइम पे, बट कोविड के बाद काफ़ी कुछ चेंज है, बहुत सारा चेंज है यहाँ पे। और बाहर भी मार्केट में भी आप जाओ तो जो मार्केट बहुत आपको दिख रहे थे कि हाँ, कहा जा रहा था कि बहुत सस्ते हैं या बार्गेन चल सकता है वहाँ पर, ऐसा अब कुछ नहीं रहा, और ना ही वो बहुत सस्ते रह गए। तो बहुत ज़्यादा असर डाल कर गया है हम पे जो कोविड है, सोशल लाइफ में भी बहुत कुछ करके गया है, बहुत कुछ बुरा हो रखा है। और फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं अभी, तो फिर से हमें वही करना है, फिर से घर में रहो, सुरक्षित रहो वाली बात फिर से वापस वही हो रही है। आपको ये दिखाया ना कि ये क्लिप्स मैंने खेलने को दिए थे आशी को, अभी मैं मतलब ज़रा सा इधर से उधर हुई, फिर मैंने देखा वो मुँह में कुछ चबा रही है, तो देखा तो ये जो ग्रैप्स है ना, इन्हें चबा रही थी, बिल्कुल नहीं निकाल रही थी। पता नहीं शायद इसे खाने की चीज़ लग गई या क्या लगा, इसे चबाई जा रही है। तो फिर मैंने इसे बिस्किट निकाल करके दिया कि लो ये खाओ, ये खाने की चीज़ होती है, समझा बेटा, ये क्लिप है, इसको नहीं खाना, छिल जाएगा मुँह, ओके। इसको नहीं खाते, इसको खाते हैं, हाँ। और ये 2-4 फ्रूट्स मैंने तुम्हारे सर पे भी लगा दिए हैं, नो नो। बाहर निकलने के बाद इसे पानी दिख गया, पानी दिखने के बाद तो बस, ओए क्या कर रही तुम, गाल भिंगा रही अपना।
सिर्फ पानी पानी चाहिए, पानी। गर्मियों के दिन है, पक्षियों और अब चेकआउट का टाइम आ गया। कहाँ जा रही है? आजा बेबी आशी, आशी बेटू आशी। और नेचर के बीच में ये शानवी का नहाना धोना चल रहा है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर मॉल की तरफ, और ये जो ड्राइव कर रहे हैं ये मेरे देवर हैं। आगे यही वीडियो कंटिन्यू रहेगी, तो अगर आपको और देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।